नमस्कार दोस्तों, आपका अपना स्वागत है स्टडी विद नीरज सर। दोस्तों, आपको पता है पेट का एग्जाम हो चुका है और इसका रिजल्ट जैसा कि मैंने बताया है कि जनवरी में प्रस्तावित है। इससे आने वाली बहुत सी वैकेंसी हैं, यूपी ट्रिपल एससी से पेट के माध्यम से आने वाली बहुत सी वैकेंसी जो है पेंडिंग में है, जिनमें से मैं आपको बता दूं, वीडियो की वैकेंसी आएगी, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी आएगी, गन्ना पर्यवेक्षक की वैकेंसी आएगी और भी बहुत सारी वैकेंसी जो है पेट के माध्यम से निकलेंगी। इसमें मैं आपको बता दूं दोस्तों, बहुत सा जो है जीएस का पोर्शन जो है इसमें रखा गया है और हिंदी रीजनिंग मैथ के बहुत सारे क्वेश्चन जो है इन एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज मैं आपको जो बताऊंगा वो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब तक के जितने वित्त आयोगों का गठन किया गया है उनको मैं एक शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा और आप देख रहे होंगे कि कोई ना कोई वित्त आयोग पूछ ही लिया जाता है कि 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, 12वें कौन है, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, 14वें 15वें अध्यक्ष कौन है, दूसरे तीसरे अध्यक्ष का नाम जो है पूछ लिया जाता है, किस सन में कौन सा वित्त आयोग लगा, इसके अध्यक्ष कौन थे, कई प्रकार के क्वेश्चन यहां से आपको मिलेंगे। बहुत ही आसान है, ट्रिक के माध्यम से अब मैं आपको बताऊंगा, बस आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना है। आइए हम स्टार्ट करते हैं वित्त आयोग। वित्त आयोग सबसे पहले आर्टिकल आप समझते हैं 280 का फर्स्ट में है, ठीक है, अनुच्छेद 280 के फर्स्ट में है। अब देखो, कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आपको याद करनी पड़ेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। देखो, कुछ जैसे आप लोग मोबाइल नंबर याद कर लेते हो, ऐसी एक संख्या याद करना है, हमको तो याद है, बहुत आसान है। देखो ऊपर की 160 482 737 160 482 727 28 28 अब देखो, ध्यान देना, ये जो है पहला वित्त आयोग, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा वित्त आयोग है, ये छठवां है, ठीक है, ये सातवां है, ये आठवां वित्त आयोग है, ये नवां है, ये दसवां है, ये ग्यारहवां है, ये बारहवां है, ये तेरहवां है और चौदहवां मैंने यहाँ पे लिखा है, पंद्रहवां। पंद्रहवां के एनके आप समझ, एनके सिंह जो है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में, नंद किशोर सिंह इनका पूरा नाम है। अब देखो, ये जो मैंने संख्या लिखी है इसी संख्या से आप सन निकालेंगे। वित्त आयोग का प्रारंभ 1951 में जो है स्टार्ट हो गया था। 1951 में पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। इनको मैं शॉर्ट फॉर्म में नियोगी टाइप में डिनोट करूंगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, एक है, आप ध्यान से देखिएगा, एक 1951 51 का फर्स्ट, देखो ये एक है तो मतलब 1951 में चालू हुआ, ये इसका एक, ये एक, फिर 51 के बाद 6 कब आता है, 56 में, 1951 1956 1960 का 0, 1964 1968 1972 1977 1983 1987 1992 1998 2002 और 2008 और 2014 निकालना आ गया होगा। देखिए, इसके 51 से स्टार्ट है तो 51 का ये जो 1 है उसी हिसाब से 51 की सीरीज हम पढ़ेंगे, 1951 1956 1960 1964 68 1972 77 83 87 92 2008 92 98 2002 और 2008 डन। अब देखो, ये सन हो गए, अब इनके अध्यक्षों को कैसे हम याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब तीसरे, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि तीसरे वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन थे, तो राजा मन्नार, 1 2 3 जो तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है, उस हिसाब से जो है
उसको तुम डिनोट करोगे, जैसे प्रथम के नियोगी, दूसरे के ये थे, तीसरे के ये थे राजा ये चंद्रा, चौथे के ये थे, ठीक है। इसी तरह जो है तुम इसको जो है आगे बढ़ाते जाओगे, ठीक। अब देखो 1951 निशे, देखो ये भी लेकिन याद करना है, निशाचर त्यारे सैच साप खुरके, साप खुरके, ठीक। इसको आप जो है इससे मिलाओगे, राजा मन्नार को इससे मिलाओगे, ये तुम्हारा त्यागिक है, ये तुम्हारा ये है, ये सैलेट है, ये चौहान है, ये सालवे है, ये पंत है, ये खुसरो है, ये रंगराजन है और ये केलकर है। उसी हिसाब से आप आगे मिलाते चले जाओगे। एक ये लाइन याद करना है, निशाचर त्यारे सैच साप खुरके, निशाचर त्यारे सैच साप खुरके। अब देखो 1951 में जो प्रथम वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष निफोर नियोगी, 1956 में संचालन, 1960 में चौहान, ठीक है, 1964 में रासे राजा मन्नार, 1968 में त्यागी, 1972 में रेड्डी, 1977 में सैलेट, चा से चौहान। अब देखो साप सालवे, सा से सालवे 87 में, पा से पंत 92 में, खुसरो 98 में, रासे रंगराजन 2002 और केलकर 2008 में। इस तरह आप इसको जो है याद करेंगे। एक बार इसको अगर आप रफ कॉपी में 3-4 बार लिखेंगे तो वो मैं बता रहा हूं बिल्कुल याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके आप उसी हिसाब से इसको मिला लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और आता है क्वेश्चन। तब तक के लिए दोस्तों ये, हाँ ये वीडियो जो है हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आने वाले कोई भी एग्जाम होगा, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट हो, कुछ भी हो, एक नंबर यहाँ से पूछा जाता है। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही आपको और अच्छे वीडियो लेना है तो माय चैनल स्टडी विद नीरजसर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।